शेर देखिए, इसके पहले भी उसमें वीडियो दिया है। यहाँ पे 1 से 7 क्वेश्चन कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹981, व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹1308। कह रहे हैं 1308 में कितने जो है मीटर क्लॉथ कपड़ा वहाँ पे आ सकता है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी एक्स मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए इसका। यहाँ पे तो टेबल में यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लेंथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा और फिर बीच हो जाएगा यहाँ पे क्या, कॉस्ट। लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ है 15 है, ठीक है। तो कॉस्ट उसका कितना बड़ा है, कॉस्ट उसका हो जाएगा 981। और जब उसकी लेंथ एक्स होगी तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1308, ठीक है। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, x1 upon x2 = y1 upon y2। तो x1 है कितना, x1 आपका है 15 अपान x इक्वल टू हो जाएगा 981 upon 1308। तो x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा यहाँ पे 15 × 1308 upon 981, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15 6 और 15 5 65.4 जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे कितना, 20। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 20, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप एक बार फिर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही है। कह रहा है यहाँ पे एट इज द अर्थ पिक 6.4 × 10⁻⁷ kg ऑफ डस्ट। तो कह रहे हैं हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज, 15 डेज में कितना डस्ट ये पिकअप करेगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ डस्ट बी एक्स केजी। यहाँ भी आप कॉलम बना लीजिए इसका, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ जब कॉलम बना गए तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, इधर आएगा यहाँ पे वेट ऑफ डस्ट, आप लिख दीजिए पूरा वेट ऑफ डस्ट, एंड फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे डेज। अब इसके बाद वेट कितना है, 6.4 × 10⁻⁷, तो यहाँ पे कितने डेज में, 8 डेज में, और फिर ये जो आपका 15 डेज में होगा तो कितना यक्स। यहाँ पे वही 6 x1 upon x2 = y1 upon y2, तो यहाँ हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁷ upon x = 8 upon 15। देन x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 6.4 × 10⁻⁷ upon 8। 8 से डिवाइड करें 0.8 आ जाएगा, और 0.8 का मल्टीप्लाई 15 में, देन x इक्वल टू आएगा यहाँ पे कितना, 12 × 10⁻⁷। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, देन x इक्वल टू क्या जाएगा, 1.2 × 10⁻⁸। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में बोला है यहाँ पे रवि मार्ग रेल मार्ग रेट 5 km/h, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 hours 24 minutes। तो देखिए पहले वहाँ पे 2 hours 24 minutes, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर। अब यहाँ जो टाइम है 2 hours 24 minutes, टाइम यहाँ पे कितना है, 2 hours 24 minutes। तो 24 मिनट को जो आप यहाँ पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2 + 24 मिनट को आप आवर में करोगे 24/60 हो जाएगा, और 24/60 करोगे तो ये आप आएगा यहाँ कितना, 2 और यहाँ पे 5, तो आ गया पे 5 × 10 = 12, 12/5 क्या आ गया, आवर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए, इस टेबल में यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम इन आवर, ब्रेकर में इन आवर। अब डिस्टेंस कितनी है, 5। अब देखिए जो इसकी स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, तो 5 किलोमीटर कितने टाइम में जाता है, 1 आवर में। इसलिए जो यहाँ पे वो x आवर रिवर्स x डिस्टेंस कवर करेगी इतना 12/5, कितना आएगा 12/5। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, 5/x इज इक्वल टू 1/12/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा इधर पर जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 × 12/5। 5 से 5 कैंसिल, इसको तो आ गया क्या 12 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप इसी में जो है 12 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 11 में कैन टेक 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। एक दिन में जो है 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच वो अगर डिग करते हैं, तो कह रहे हैं हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। तो यहाँ पे लेट, यहाँ भी कहते हैं लेट द नंबर ऑफ मेन बी एक्स। तो कॉलम यहाँ बना लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मेन और यहाँ हो जाएगा डेज। तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं यहाँ पे, अगर 11 मेन होते हैं तो कितने डेज लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे डेज नहीं होगा बल्कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी लेंथ हो जाएगी मेन और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेंच, ठीक है लेंथ ऑफ ट्रेंच ये हो रहा है 6 होल 3/4। 6 होल 3/4 में यहाँ पे कितना लगोगे, 27/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x मेन हो गया तो 27 मीटर ट्रेंच, अब हो जाएगा 11/x इज इक्वल टू 27/4/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 × 27/27 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 27 × 4 का मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, 27 × 27 कैंसिल, 11 × 4 = 44 मेन वहाँ पे लगेंगे, उसको पूरा ठीक कर लेंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप इसको। देखिए डू यू टाइप 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, आधे घंटे मतलब 30 मिनट में वो 540 वर्ड्स को अगर यहाँ पे टाइप करती है तो कह रहा 8 मिनट में कितना करेगी। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स बी एक्स, माने तो वो एक्स जो है वर्ड्स को टाइप करती है, तो यहाँ पे टेबल बना लीजिए इसका, फिर यहाँ हो जाएगा क्या नंबर ऑफ वर्ड्स और फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या टाइम, कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बीच में क्या मिनट, नंबर ऑफ वर्ड्स 540 वर्ड्स है, 540 वर्ड्स है तो कितना मिनट लग रहा है, हाफ एन आवर 30 मिनट। तो अगर वहाँ पे यक्स आपको वर्ड टाइप करा तो कितना 8 मिनट, यहाँ हो जाएगा 540/x इज इक्वल टू 30/8, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 540 × 8/30, 0 0 कैंसिल और फिर यहाँ पे 54 यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना 18, 18 × 18 = 144, ये आपके आगे इतने वर्ड्स 144 वर्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर, तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।